गर्मी के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस दौरान जो है यहाँ पे आए भूमतर से आए कुछ महिलाएं जैसे कि पार्वती महिला मंडल, तो इनसे जानते हैं कि किस आज किस तरह से कुल्लू दशहरा जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, तो कैसा लगता है या कैसा लग रहा है? जी मैम, कैसा लग रहा है जैसे कि 2023 में जिसकी व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, तो कैसा लग रहा है दशहरा ये नया नाम दिया है कुल्लू कार्निवल? बहुत अच्छा, इस बार बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है सीबीएस साहब ने, सब कुछ चेंजिंग कर दी है, जैसे मेले का स्टॉल भी अलग तरीके से लगा है, और जो भीड़ जैसे पहले थड़ी बारे और मंजे वाले रहते वो भी नहीं लगाया है, ग्राउंड सारा खुला खुला है, बहुत बढ़िया है, खाने का तो स्टॉल लगे बहुत बढ़िया है, और आज जो है हमारा महिलाओं का वो कार्निवल जैसे निकाले है, इसमें हम झांकियां निकालेंगे और थोड़ा सा महिलाओं का नाटी भी रहेगी, तो इसमें भाग लेने के लिए पूरे दूसरी कुल्लू की महिलाएं आई हैं, महिलाएं बहुत उत्सुक है, आप देख रही होंगी तो कितनी अच्छी लग रही है सारी महिलाएं, तो हम सीपीएस साहब का धन्यवाद करते हैं कि इस बार का दशहरा जो उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से किया। जिस तरह से पहरावा है, ये पहरावा में क्या क्या इसका थोड़ा सा बताएंगे, हम दर्शक जानना चाहते हैं इसकी, हम विदेशों से होता है किंतु क्या है इसी पहरावा? ये है जी पट्टू, ये कुल्लू का कुल्लू के वेशभूषा है, जो पहले जमाने में टाइम में ये पट्टू ही लगाते थे लोग, लेकिन आज अब फैशन बन गया इसका पट्टू का, तो ये पट्टू है, और ये पट्टू को लगाने के लिए बुमनी है, और ये इसके साथ लाल धाटू है, और बस ये गाउन है, बाकी तो जो ड्रेस के साथ जो जैसे जैसे जिसने लगाया वो उस हिसाब से। तो आपकी महिला मंडल में कितना है और क्या आज क्या करना चाहते हैं हम लोग? आज हम लोग तो एक तो झांकी में थोड़ा सा वॉक करेंगे और उसके बाद थोड़ा डांस करेंगे, तो आज हमारी ये पार्वती महिला मंडल और प्रेरणा ग्राम संगठन की महिलाएं आई हुई हैं, हमारे वहां से कम 30 महिलाएं आई हुई हैं और वो सभी महिलाएं आ रही हैं। संदेश क्या है जैसे कि नौजवान जैसे कि पट्टू की रिवाज अभी पहले बीच में गायब हुआ था फिर दोबारा से चालू हुआ था, आपकी तरफ से क्या संदेश है युवा वर्ग? मेरी तरफ से ये संदेश है कि हमें अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा है उसका थोड़ा सा वो करना चाहिए कि भूलना नहीं चाहिए हमें, ये जो पुरानी संस्कृति है उसको हमेशा संजोए रखना चाहिए, और पट्टू हमेशा हर फंक्शन में लगाना चाहिए, खासतौर से ऐसे फेस्टिवल्स है उस टाइम उसमें जरूर लगाना चाहिए पट्टू, चंद्रहार और ये जो भी पुराने ट्रेडिशनल जो चीजें हैं वो सारे संजोए रखनी चाहिए, और इसको दोबारा से ताकि विलुप्त ना हो, तो इस करके इसको दोबारा से संजोए रखना है। पट्टू भाई कुल्लू की आन बान शान है। जैसा कि मैडम दुर्गा जी का कहना है कि बहुत ही बेहतरीन, जैसे कि कुल्लू के पट्टू है आन-शान है, तो जैसे कि पट्टू है बहुत ही बेहतरीन, मैं एक बात बताना चाहूंगा पट्टू का, जैसे पट्टू में रस्म में दो हिस्सा होता है, एक हिस्सा साइड एक हिस्सा साइड, तो जो पट्टू है ये महाभारत के टाइम से पट्टू पहनते हैं और उस टाइम से लगा हुआ है, तो ये जो है जैसे कि जैसे कि भीम ने जो है भूषण को जैसे चीरा था, तो उस टाइम से जो पट्टू का एक नाम लगा कि दो तरह से जो पांच, ये पांच हस्त, इसमें पांच कलर है, ठीक है जी, पांच कलर पांच रंग और इसे बहुत कुछ पट्टू ये पहरावा है। तो दर्शकों अभी जो है आपको जो है आज का कुल्लू कार्निवल का ताजा लाइव दिखाया जाएगा, तो तब तक के लिए मुझे मिल जाता है यानी कि पूरे